सो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। और अभी भाई मैं हरिद्वार में खड़ा हूँ ऋषिकुल मैदान के पास। और यहाँ पर जो अभी आप देख सकते हो कि जैसे कि हरिद्वार में भी ऑफलाइन जो है चार धाम के लिए रजिस्ट्रेशन हो रहा था, तो ऐसे में क्या है कि अभी जो रजिस्ट्रेशन हो रहा था वो हो रहा था रेलवे स्टेशन के सामने, वहाँ पर राही होटल के पास जो है हो रहा था, लेकिन वहाँ से जो है अभी शिफ्ट कर दिया गया है। और यहाँ पर जो है ऋषिकुल चौक है, ऋषिकुल चौक के पास जो है आप राइट साइड में अगर आप देखोगे तो यहाँ पर जो है आपको यहाँ पर फील्ड है। और यहाँ पर अभी आप देख सकते हो यहाँ पर जो है चार धाम यात्रियों के लिए रजिस्ट्रेशन के लिए भाई लगाया गया है। सो दोस्तों, ये है मेन ऋषिकुल चौक, यहाँ पर देख सकते हो भाई दिल्ली हरियाणा सारी अदर जो स्टेट से जो भी बसें आती हैं भाई यहीं से होकर के जो है वो हरिद्वार बस स्टैंड पर जो है जाती हैं। और यहाँ पर अभी आप देख सकते हो ये जो मेन रोड है, ये देखो इधर से बसें जो है आ रही हैं। और यहीं पर जब ऋषिकुल चौक पर जब आप यहाँ पर उतरोगे तो यहाँ पर जो है उतरने के बाद आपको ये जो है फील्ड यहाँ पर दिखाई दे जाएगा। तो चलो अभी वहाँ पर चलते हैं भाई और वहाँ पर जो है पता करते हैं। हालांकि भीड़ तो यहाँ पर दिख नहीं रही है बिल्कुल भी, ये देख सकते हो भाई। और यहाँ पर भी चल कर पता करते हैं कि अभी जो है रजिस्ट्रेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। सो दोस्तों, यहाँ पर भाई आप देख सकते हो ऋषिकुल मैदान में जो है यहाँ पर चार धाम यात्रा पंजीकरण और जनपद हरिद्वार। तो यहाँ पर भाई अभी जो है यहाँ पर अभी जो ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन है ना वो जो हो चुका है बंद। तो ये जो है थोड़ी सी आपको जो है दुखद खबर है, लेकिन अभी जो है काफ़ी भीड़ होने के चक्कर में जो है वहाँ ऊपर जो है बंद कर दिया गया है। ऋषिकेश में भी अगर आप जाते हो तो वहाँ भी बंद है और यहाँ पर भी भाई बंद कर दिया गया है। और जो और यहाँ पर भाई आप देख सकते हैं लोकेशन, जगह तो काफ़ी बड़ी है, हालांकि कितनी भी भीड़ अगर यहाँ पर आ जाए रजिस्ट्रेशन के लिए तो काफ़ी अंदर जो व्यवस्था है यहाँ पर पंखे वगैरह जो यहाँ पर लगे हुए हैं, चेयर वगैरह भी है यहाँ पर बैठने के लिए, लेकिन अभी दोस्तों यहाँ पर हो नहीं रहा है। और ये देख सकते हो कुछ यात्री भाई यहाँ पर खड़े हैं, तो अभी जो है यहाँ पर जो है मना कर दिया गया है क्योंकि ऊपर जो है काफ़ी ज़्यादा जो है यहाँ पर भीड़ हो गई है, इसलिए अभी आज और कल जो है रजिस्ट्रेशन यहाँ पर बंद कर दिए गए हैं ऑफलाइन। और यहाँ पर जो भाई जो यात्री हैं ये देख सकते हैं अभी यहाँ पर बिना रजिस्ट्रेशन किए हुए जो है वापस जा रहे हैं अभी यहाँ पर। तो ऐसे में अभी आपको जो है थोड़ा रुकना होगा क्योंकि ऐसे में भाई ऊपर की तरफ जो है काफ़ी ज़्यादा भीड़ हो गई है। और यहाँ पर भाई जो है अभी पुलिस वालों ने बताया कि भाई यहाँ पर जो है अभी बंद कर दिया गया है। सो दोस्तों, अभी आप जैसा कि देख सकते हैं कि अभी दो दिनों के लिए भाई केदारनाथ यात्रा और जो चारधाम की यात्रा है भाई हरिद्वार में ऑफलाइन जो है बंद कर दिया गया है। ऐसे में क्योंकि भाई बहुत ज़्यादा जो है यहाँ पर भीड़ है अभी और ऊपर जो है काफ़ी ज़्यादा जो है ट्रैफिक जाम है और लोग जो है वहाँ पर परेशान हो रहे हैं। तो ऐसे में जो है अगर आपके पास भाई अभी टाइम है तो अभी आप जो है रुक जाइए और अभी जो है थोड़ा टाइम लीजिए क्योंकि ऐसे में भाई अभी लास्ट तक जो है छः महीने तक जो है कपाट खुले रहेंगे और ऐसे में भाई बहुत ही ज़्यादा जो है आपको वक्त मिल जाता है। और अभी अगर आप सोचेंगे कि भाई यहाँ पर मैं ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन जो है करवा लूँ तो हरिद्वार में भी अभी नहीं हो रहा रजिस्ट्रेशन ऑफलाइन, और अगर आप सोचोगे ऋषिकेश में जाके तो वहाँ भी नहीं होगा। और बिना रजिस्ट्रेशन के तो भाई आप जा नहीं सकते क्योंकि जो है ऋषिकेश में भी भाई चेकिंग हो रही है और जैसे आप ऊपर पहाड़ों में एंट्री करेंगे तो जगह जगह चेक पोस्ट पर भाई वहाँ पर जो है रजिस्ट्रेशन जो है वहाँ पर चेक किया जा रहा है। तो ऐसे में भाई अगर आप सोचोगे कि बिना रजिस्ट्रेशन के हम चले जाएं तो ऐसे भाई नहीं हो सकता, ये पॉसिबल नहीं है अभी। तो ऐसे में दोस्तों अभी जो है बंद है, तो दो दिन के बाद जो है अभी आपको जो है मैं अपडेट दूंगा कि वहाँ पर जो है अभी हरिद्वार में जो है ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन है जो है वो कब से चालू होगा। हालाँकि अभी आज और कल के लिए मना किया हुआ है, तो ऐसे में जो है आपके लिए अपडेटेड वीडियो फिर से मैं लेकर के आऊँगा। और जो है आपको अगर जानना है कि दोस्तों आप वहाँ से कैसे जा सकते हैं तो उसके लिए भी जो है मैं अपडेटेड वीडियो एक और लेकर के आने वाला हूँ। तो मिलते हैं आपसे एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, सी यू।